हैप्पी बर्थडे। नहीं नहीं बर्थडे नहीं, 10 मिलियन हो कट देने दिन नहीं हो कट दिए रात रंजा चला तेरे पीछे बस मंगे तेरा साथ। मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। उठ गए हैं, उठ के ब्रेकफास्ट भी हो गया, सैर भी कर रहा है, ब्रेकफास्ट भी हो गया। और एक चीज तो है, हमारे हेल्थ कैंप ने सबका लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है। सुबह सुबह भाई साहब उठ गए हैं, उठ के खाना भी हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, और ये देखो शॉपिंग, कितनी सारी शॉपिंग करी है इन्होंने, क्या ही बात। ये भी मंगवाई है, कैसे लगी? आप तो वैसे ही बहुत स्मार्ट हो सर, जो भी पहनो अच्छा ही लगता है। Nice. मैं रेडी हो गई हूँ सबको ब्रेकफास्ट करवाने के बाद, क्योंकि मैं जा रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने, नए वाले घर की घर भी है, वहाँ जाते तो है नहीं, बस अब एक दो दिन में, ये तो पिछले एक दो महीने से सुन रहा हूँ मैं, एक दो दिन में चले जाएंगे। वो जो वहाँ आपके मिस्टर बैठे हैं ना, जो जाने नहीं चाहते, उनको समझाओ। मेरा शॉपिंग पार्टनर थोड़ा सा रेस्ट मोड पे है, ये आज कह रहे रेस्ट करेंगे और मैं अकेली जा रही हूँ शॉपिंग इसके साथ। क्राइम पार्टनर जाना हमने शॉपिंग करने, टेंशन इनको है, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, की टेंशन पता नहीं क्यों, जल्दी जाओ की टेंशन है। अच्छा कहीं गुम गुम हो जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकेगा, और इनके सपने सपने ही रह जाएंगे, कितने सालों से सपने देख रहे हैं कि ये शायद गुम हो जाए, मेरे को छोड़ के चली जाए। चलो चलते हैं। बहुत ही देर, मतलब 1.5 घंटे बाद हम पहुंच गए फाइनली बहुत ही बिजी बिजी वाली मार्केट में, और लकीली हमें आज पार्किंग भी मिल गई, गाड़ी हमने पार्क कर दी और आगे अब करते हैं शॉपिंग। काश हमें जो चाहिए वो मिल जाए, बस फाइनली जो चीज़ हम लेने आए थे वो हमें मिल गई है। ये देखो कितने सुंदर जार, ये इन भैया की शॉप पे मिला, लेकिन हम ऐसे घूमते घूमते आ गए, और बहुत ही सुंदर जार और गिलास भी हमने पसंद करे, ये वाले गिलास। वो गिलास की चॉइस अच्छी है, चॉइस अच्छी है मेरी। ओहो, तभी तो तुझे साथ लेके आई हूँ ना मैं। क्राइम पार्टनर अभी फिलहाल तो तू मेरा शॉपिंग पार्टनर है। अभी तो बहुत सारा सामान लेता हूं। चलो अच्छी बात है ना, हमारी एक चीज तो कम से कम फाइनल हुई, बहुत टाइम से हम ढूंढ रहे थे। बड़े वाले जार तो हमने ले लिए, और अब हमें चाहिए मसालों के लिए छोटे वाले जार। तो हम इधर आए थे इनकी शॉप पे, और भैया ने आते ही हमें पहचान लिया। वो एड्रेस यहाँ का कैसे मिला? एक्चुअली हमने जो भी शॉपिंग करी है ना अपनी किचन के लिए, तो इस वाली मार्केट से करी है। ओके okay. आपको डेली देखते हैं हम रेगुलर व्लॉग्स में। थैंक यू थैंक यू। हम ना यहाँ पे एक गिलास सेट देख रहे हैं, और गिलास मतलब ये बाहर से तो बहुत बड़ा गिलास है, और अंदर से ना बिल्कुल इतना सा है। हाँ। तो ये तब कम आएगा जब घर में सामान बहुत कम होना और गेस्ट बहुत सारे आ गए हो, तभी बेस्ट है। मतलब सामान तो अच्छी बता रहा है ये, और अब गेस्ट को तो लगेगा बहुत सारा सामान दिया, डलेगा इतना एक सिप में खत्म, अपना भी काम हो गया, बेइज्जती भी नहीं हुई, और चलो भाई खातिरदारी भी पूरी है। तो पहुंच गए हम इतना सारा सामान लेके, और अब एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दूसरी गाड़ी में इस गाड़ी में शिफ्ट, ऊपर चढ़ाने की तो हिम्मत नहीं। सही बात है, थक गए, बहुत सारी शॉपिंग कर ली, क्योंकि गाड़ी तो हम लेके जाएंगे गुड़गांव, तो फिर ऊपर ले जाने का तो मतलब ही नहीं है, पहले ऊपर चढ़ाए फिर नीचे उतारे, तो इसलिए गाड़ी से गाड़ी में शिफ्ट कर रहे हैं। और सारी चीजों की एक बात मैंने आंटी को बहुत समझाया, वो ग्लास ले लो, बचत बहुत हो जाएगी, मानी नहीं थैंक यू तानिश, बहुत सारी शॉपिंग कराई तूने, मजा आ गया शॉपिंग करके, बहुत चीजें ली हमने और थक गए सीढ़ियां चढ़ के। हाँ चाय पिलाओ, चाय। यस मैं पिलाऊं? हाँ हाँ, एक मिनट अब क्या हुआ? अंकल थक गए, पूरे दिन शॉपिंग करके आए। अंकल ने इतनी सारी शॉपिंग कर ली, क्यों अंकल? पूछ ऐसे रहे, चाय पी ली है, और जब मैंने कहा हाँ हाँ पिलाओ, तो फिर ऐसे ऐसे करने लग गए। जाने से पहले मैं इसके लिए खाने का सामान रख के गई थी फ्रिज में, तब नहीं इसने कुछ भी खाया, अब मेरे आते ही इसको भूख लग गई। इतना थे नहीं, तो मैंने खाया भी नहीं। मैं नहीं थी, पर मैं बना के तो गई थी ना। एक्चुअली आप घर पे नहीं थे तो भूख नहीं लगी। हाँ, मेरे आते ही भूख लग गई। चलिए मम्मी, बिजी तो था, दो वीडियो रिकॉर्ड करी।
दोनों ही खराब हो गई। क्यों? एक में स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुई और एक में मेरा कैमरा अटक गया। ये सेटअप भी कह रहा है भाग जाओ जाओ मैं घर जाऊँ। सही बात है, चलो उठो चले। चलो चलो, ये हाथ में लेके ही चलना ठीक है। गाड़ी कौन चलाएगा? मैं चला। खाते खाते बोल गया। गाड़ी चल रही है। चलो आ जा बैठ के खा ले आराम से। ओके। काम में इतना बिजी हो जाते हैं खाना ही भूल जाते हैं। खाना वाना खा के अब क्या शुरू हो गया? डंबल कैटल बेल। चार के कोई कमेंट्स में लिखेगा भाई 4 किलो से फ्लेक्स कर रहा है। मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा भाई, शरीर खोल रहा हूँ। भाई उस घर में तो इतने सारे डंबल लगाए हैं। हाँ तो जब तक शुरू नहीं करते तब तक तो कुछ तो करे। देखो इस एक्सरसाइज को क्या कहते हैं? आई डोंट नो। सुमो स्क्वाट शायद। सुमो स्क्वाट शायद, पर मतलब भारी डंबल चाहिए होता है ये तो। पापा को भी लगा ले साथ। आ जाओ पापा, जब से भी आप नए घर में शिफ्ट होने के लिए रेडी हो जाओ तब से फिर जिम करना है। तो ऐसा ना हो ना पहले दिन जिम करते एकदम बस टूट जाए शरीर। पहले उस बंदे को बुलाओ। किस बंदे को? जिसने वो गलत लगा दी मशीन, इसको ठीक कराओ। मुझे अभिषेक का फोन आया, कह रहा है सारी वो तो आपने उल्टी लगवा दी। मैंने कहा मैंने नहीं लगवाई भाई, तुम्हारे बंदे ने लगाई है। बस आपने कंधे के ऊपर वाली कोई नहीं करनी, बाकी मैं इस साइड से कर सकती हूं। नहीं 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 वो कंधा हिलाना ही नहीं, आपने बस ये वाली करो, डंबल लेके ऐसे साइड बेंड करो। चलो वेरी गुड, वाह 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 वाह, हो गई। बस हो गया। कांग्रेचुलेशंस, आप पास हो गए। मैं तो हाथ मिलाने ला रहा था। आपका जिम हो गया है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। रात के 9:27 हो गए हैं और मैं बिन बात के ज्यादा ओवर हाइप्ड एक्साइटेड हूँ। और मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? मिलन साहब सोने। हाँ गोइंग टू स्लीप। सोने लगे हो? यस। इतनी जल्दी कौन सोए है? अभी तो 10:50। हम तो 9:30। अरे उठो मम्मी, डॉक्टर ने बोला थोड़ा नाचो। हाँ। नाचो उठो। इनको नचा, इनको बोला था डॉक्टर ने कि डांस करा करो। मलन साहब कैसे बनी हो रामा, कैसे बनी फलोरी बिन चटनी, कैसे बनी फलोरी बिन चटनी, कैसे बनी ऐसे। नहीं नहीं सॉरी, 3, 2, 1, go। Me and my darling were flying in a plane. The plane catch fire, we fall into a train. ऐसे बनी हो रामा, ऐसे बनी फलोरी बिन चटनी, ऐसे बनी फलोरी बिन चटनी, ऐसे बनी। अक्कल के आने के लिए शक्ल के जाने का इंतजार क्यों कर रहे हो बे? ये किसका डायलॉग है? सुन लो भाई का। अच्छा कोई नई मूवी आ रही है क्या? अरे दबंग नहीं देखी क्या? अरे दबंग नहीं देखी तो मिलो फुटपाथ पे। देखी है जी, देखी है। गाड़ी ड्राइवर ही चला रहा था। चलो भाई, आई एम योर बिगेस्ट फैन, मजाक कर रहा था मैं तो। ऐसे बनी जी। यस। बोर हो गया जी, सुबह से 3 बार वीडियो बनाने की कोशिश करी, तब 3री बार में जाके बनी है। अब बहुत बोर हो रहा हूँ, आ जाओ चिड़िया उड़ खेले। तो वो लेके आनी थी ना ताश। चिड़िया उड़। ताश खेलते। चिड़िया उड़, तोता उड़, कबूतर उड़, मलन साहब उड़, बिल्ली उड़, कुत्ता उड़। बिल्ली और कुत्ते की उड़ा रहे हो? चलो आपकी बारी। चिड़िया उड़, तोता उड़, नोनू उड़। नहीं उड़ाया। नो। सोचा तूने उड़ा दिया होगा। आई एम वेरी स्मार्ट। गाय उड़, भैंस उड़। तो बहुत स्मार्ट है यार। तोता उड़, चिड़िया उड़, गधा उड़। हाँ मैं भी तोड़ता हूँ। गधे से कम हो गया। चलो पापा को उड़ा दे। चल
पापा बेड से ना उठते ये उड़ेंगे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, सुनते भी नहीं है। चलो चलो अब तेरी बारी। चिड़िया उड़, तोता उड़, मच्छर उड़, कबूतर उड़, पिजन उड़, कौवा उड़, कोयल उड़, सुअर उड़। नहीं उड़ाया। रुको रुको, तोता उड़, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, फ्लाई उड़, बटरफ्लाई उड़, ए फ्लाई उड़, वो फ्लाई उड़, कैटरफ्लाई उड़, कैटरपिलर उड़, और ये भी उड़। इतना बोर हो गया हूँ, नाम भी नहीं याद आ रहे हैं। मैं तो इनको देख रहा हूँ इतने। रुको 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 रुको, फोन में क्या देख रहे हैं मैं देखता हूँ इनके आंखों के चश्मे में। रेट देख रहा हूँ 70,054 रुपीस। मतलब मेरे को क्या वो कह रहा है, मैं क्या देख रहे हो तो बता दियो। नहीं नहीं, वो तो मैं ये देख रहा था कि आप जो देख रहे हो वो आपके चश्मे की रिफ्लेक्शन में दिखेगा। रेट चल रहा है 83 रुपीस 44 पैसा। अच्छा, यूरो है 90 रुपीस 54 पैसा। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है 105 रुपए। ये है पापा की जनरल नॉलेज का राज। मीनवाइल हैप्पी बर्थडे। ओके गाइस, तो फाइनली 10 मिलियन का सेलिब्रेशन, पहला केक हमने काट लिया टोनी भैया के साथ। और यस, हमारा एक गाना आ रहा है दोनों का साथ में। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट भाई, वैसे मतलब जब मैं सुबह ना वैसे जैसे मैंने देखा कि मेरे आज 10 मिलियन होने वाले हैं, तो मैंने सोचा यार नहीं, मुझे ना ये शूट नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ऐसा सीन होता ना कि मतलब तुम्हें लगता है 10 मिलियन घर फैमिली के साथ इन्जॉय करना चाहिए, तो बस ऐसा मेरे मन में ख्याल आते। बट फिर मैंने सोचा यार कोई नहीं यार, घर जाके सेलिब्रेट कर लूँगा। बट अभी जो हम गाना शूट करा, वो क्या गाना शूट करा, इतनी मेहनत करी है भाई। मैं लिटरली सुबह 6 बजे के उठा हुआ और अब बज रहे हैं रात के 12:47, तो लिटरली मोर देन 18 आवर्स ऑफ शूट। कैसा लगा आशी भाई? बहुत बढ़िया, मैं पीछे से चालू था बट पूरी इन्होंने बैकएंड पे, ये बैकएंड पे बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं हमेशा जो वो करते हैं, पीछे से भी सपोर्ट। चलो ठीक है, नाइस, आई लाइक इट, आई लाइक इट। बाकी सपोर्ट टू आशी चंचानियन फुकरा इंसान। क्या भाई साहब, कोई नहीं यार, मयंक भाई फायर कर दो इन्हें। मैं चले रहा हूँ। बाकी यस, आई लव यू गाइज, आई लव यू ऑल लॉट। 10 मिलियन फाइनली ऑन यूट्यूब हो रहा है इंसान। 10 मिलियन ऑन यूट्यूब, 100 कमिंग सून, 100 कमिंग सून। लंगड़ना रात लंगड़ तेरे इश्क चेचना।